अपराधियों ने सुहागन ज्वेलर्स के मालिक राजेश कुमार को गोली मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कुछ दिन पहले जेल में बंद एक अपराधी ने रंगदारी की मांग की थी, हालांकि पुलिस किसी रंगदारी की घटना से इनकार की है। राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 16 में सुहागन ज्वेलर्स की दुकान है। दोपहर सशक्त अपराधियों ने दुकान मालिक राजेश कुमार की गोली मार दिया, जिसे दुकानदार जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग खड़े हुए। आसपास के स्थानीय लोगों के सहयोग से जख्मी दुकानदार राजेश कुमार को इलाज के लिए रूबल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर आसपास के थाना क्षेत्र को सील कर दिया गया। इधर पीड़ित दुकानदार ने परिजनों को बताया कि कुछ महीना पहले जेल में बंद कुख्यात पंकज शर्मा नामक अपराधी ने रंगदारी की मांग की थी। कुछ वर्ष पहले दुकानदार पर हमला भी हुआ था, इसमें एक शिक्षक को गोली लग गई थी। पुलिस ने बताया कि पूर्व में रंगदारी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, ऐसी बात रहती तो पुलिस FIR दर्ज कर कार्रवाई जरूर करती। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना में जो भी अपराधी शामिल होंगे उन्हें पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। आसपास के CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। इलाज उनका चल रहा है, ध्यान उनका हो जाएगा, उसके बाद क्लियर होगा। क्या कुछ प्रारंभिक क्या कुछ जानकारी सामने आई है सर? कितनी गोलियां चली हैं? दो गोली की बात सुनने में आ रही है। अपराधी कितने की संख्या में थे सर? उनका कहना है कि दो अंदर में आया था, फिर हम लोग देख रहे हैं बाकी सब। लूट की मंशा थी अपराधी? नहीं, ऐसा नहीं लगता। थैंक यू सर। शंभू सर, जैसे पहले वहाँ पे पहले इधर से गाड़ी यहाँ से लगा हुआ था, उसके बाद पता नहीं कब लगाया नहीं लगाया। जैसे हम निकले रूम से, मेरा भी रूम उसी दुकान के पीछे है, जैसे निकले तो वहाँ पे मतलब मार हल्ला हुआ कि मार दिया, गोली मार दिया अंदर घुस के, लेकिन मारा है। मार के जैसे निकला तो हम लोग अंदर आए तो यहाँ देखे दोबारा चढ़ा रहा था, क्योंकि वो कट्टा था, देखे जैसे हाथ में ऐसे लपेट रहा था, जैसे चढ़ा रहा था, फिर वैसे आया, फिर चढ़ा भाग गया इधर बाहर। उसके बाद किया है? नहीं, हवा इधर एक फायरिंग किया लेकिन देखे नहीं बाहर। तो ठीक है, को आवाज़ सुना? तीन आवाज़ हुआ है, तीन फायरिंग।